फॉर्म भरना है, मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बोला तीन लोगों को ज्वाइन कराते हो तो तुमको 4,500 आता है। कितना आता है? कितने लोग ऐसे यहां पे बैठे जो 4,500 रुपए का चेक ले चुके हैं हाथ ऊपर? क्या बात है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, थैंक यू। 4,500 का चेक आता है ऐसा उन्होंने बोला। बहुत सारे लोग मेरी तरह गलती करते हैं कि कमाने के बारे में पहले सोच लेते हैं, लगाते कुछ है नहीं, 350 रुपए का फॉर्म भरा और मैं ढूंढने चला गया तीन लोगों को। कितने लोगों को? मैं बोला यार तीन लोगों को पहले ढूंढ लेता हूं और मैं चला गया। सबसे पहले क्यों? जब इंसान कोई नई चीज देखता है तो या तुम अपने घर वालों से शेयर करता है, यस नो, या पड़ोसियों से शेयर करता है, यस नो, या अपने घर वालों से शेयर, या गांव वालों से, या फिर अपने रिलेटिव या दोस्तों से शेयर करता है, यस नो। वहां पे मेरा घर नहीं था, गांव नहीं था, रिलेटिव नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त थे और जो मेरा खास दोस्त था मैंने उसे शेयर किया जाके कि दोस्त आज हम एक ऐसा बिजनेस देख के आए हैं कि अगर तू और हम ज्वाइन करते हैं और उसमें कुछ करना नहीं है, बस एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे ऐसे करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। वो ऐसे आगे फाड़ के देख रहा था, नाम उसका सुशील था, आगरा के रहने वाला था, मेरे साथ जॉब करता था। और जब ये सारी चीजें उसने मेरे से सुनी तो उसने बोला, बोला विकास जिस कंपनी की तू बात कर रहा है इस कंपनी में मेरे अंकल ज्वाइन है और 3 साल से ज्वाइन है, जहां की ये कंपनी है भाई के वो रहने वाले हैं, आज तक उनको कुछ नहीं आया है और अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं तेरी बात करा देता हूं। उन्होंने मेरी बात कराई और बात कराने के बाद उन्होंने जब पूरा मैटर बताया, बोला विकास बिल्कुल फंस मत जाना, गलती से भी ऐसी कंपनियों में कुछ होता नहीं है। यानी कि निगेटिविटी जो थी मेरे दिमाग में पूरी तरीके से उन्होंने भर दी और भरने के बाद मैंने बिजनेस को ना ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। कई दिनों तक चला, जिसने मुझे प्लान दिखाया तो उसका फोन आया, मैंने फोन अटेंड नहीं किया। बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि दोस्त मेरे साथ था, वो हमेशा नेगेटिव करके रखता था मेरे बिजनेस को। आज बड़ा मेरे को एक अफसोस होता है और अफसोस खैर इसलिए होता है कि मैंने बिजनेस तुरंत क्यों नहीं ज्वाइन किया। अगर मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता तो डबल डायमंड या मरकरी होता मैं। थैंक यू। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद एक दोस्त आया, उसने मुझे बिजनेस ज्वाइन करा दिया, बिजनेस में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद कहानी शुरू होती है। मैं सिर्फ आपको होप दूंगा आज, वैसे मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो बहुत सारी सीडी डीवीडी है, सुन लेना, टाइम कम है, लेकिन बता देता हूं। लोग बोलते डायमंड नहीं बनते, लोग बोलते ज्वाइन नहीं करते हैं, मैं बोलता हूं साला इंसान अगर अपनी सी पे आ जाए तो जिंदगी में वो कुछ भी कर सकता है। और मेरा कुछ ऐसा ही था, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद ऐसा ही एक फंक्शन हो रहा था जोधपुर में, मैंने सिर्फ एक दिन के अंदर, सॉरी 2-3 दिन के अंदर 4-5 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी थी। और ज्वाइनिंग कराने के बाद ऐसे एक फंक्शन में मुझे बुलाया गया, वहां पे मेरी QSC की रिकग्निशन हुई। लेकिन उस फंक्शन में सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट जिस व्यक्ति ने किया था, वो व्यक्ति नहीं आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मेंटर है, मेरे पढ़ा के स्रोत है। जब वो स्टेज पे आए और स्टेज पे आने के बाद जब उन्होंने बताया कि मैं आर्मी से हूं, इस उम्र में मैं इतना कमाता हूं, आज मेरे पास हफ्ते के 2 लाख आते हैं, उन्होंने प्रूफ भी दिखाया, मोबाइल से प्रूफ दिखाया, उनके पास चेक भी थे वो भी उन्होंने दिखाए। जब ये चीजें सारी हुई तो दोस्तों जो शख्स जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रयास होता है वो कोई और नहीं, जिसका नाम लेने से आज पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बिजनेस होता है, हमारे क्राउन लीडर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। जोरदार तालियां, थैंक यू। वो स्टेज पे आए, स्टेज पे इस तरीके से मैं पीछे की तरफ खड़ा था और जो मुझे लेके गए थे वो कोई और नहीं, मैं उनको हमेशा अपनी जिंदगी की तीसरी आंख बोलता हूं, जो मुझे नहीं दिखता वो उनको दिख जाता है मेरी जिंदगी में क्या आने वाला है। वो जो मुझे लेके गए तो मेरे गुरु, मेरे महागुरु मिस्टर जसवीर जी। जोरदार तालियां उनके लिए, थैंक यू। वो मुझे लेके खड़े थे, मैंने बोला सर कुछ भी करो मेरे को इनसे हाथ मिलाना है कैसे भी करके, अगर इनसे हाथ मिला दिया तो मां कसम मैं बोलता हूं मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला विकास जी बहुत भीड़ है, बहुत बड़ा आदमी है, वो ऐसे नहीं मिल सकते सर से, क्योंकि सर से मिलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया, उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, ग्रेट, जल्दी में थे, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया डायमंड बन के दिखाओ। हाँ, मैं बोला ठीक है। लेकिन उन्होंने जब मेरे हाथ मिलाया, मेरे वाइब्रेशंस क्रिएट हो गए हाथ में, मैं बोला यार आज इस इंसान की जो हस्तरेखा है वो मेरे हस्तरेखा में मिल गई है। और उस हॉल से निकलने से पहले अपने अंदर एक आग लगी ऐसी कि यार ये कौन सी दुनिया में मैं था,
कुछ भी जाने के लिए है नहीं, आने के लिए दो दो लाख रुपए हफ्ते के बताए जा रहे थे। मैंने वहां पे देखा था इंजीनियरों को कमाते हुए, नौकरी छोड़ते हुए, डॉक्टर को देखा था वो बोल रहा था मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, स्टूडेंट बोला वो मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, वहां पे हर प्रोफाइल का इंसान आ रहा था बोल रहा था मेरी कंपनी में आके, इस सिक्योर लैब कंपनी में आके मेरी जिंदगी बदल गई, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने मेरी जिंदगी बदल दी, ऐसे आके लोग बोल रहे थे। मैं बोला यार दिस इज राइट टाइम एंड राइट प्लेस, सही समय पे मैं सही जगह पे हूं और मुझे करना चाहिए। और उस दिन के बाद पता नहीं लोगों के दिमाग में साला क्यों कीड़ा पैदा हो जाता है, सब कुछ देखने के बाद भी उनके कीड़ा इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझते हैं, ज्यादा अकलमंद समझते हैं। और अभी संजय सर बोल रहे थे कि जब मैं अपनी अकल लगा रहा था तो 20,000 कमा रहा था और जब से अपनी अकल लगाना बंद किया है सिस्टम की अकल से काम करता हूँ साला लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, लाखों रुपए महीने कमाता हूँ। थैंक यू। अपुन का भी कुछ ऐसा ही था, मेरे पास भी बहुत दिमाग था, पोटेंशियल था, साला फौज में गया, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे दिमाग अगर चलता है तो एक ही दादा है, वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इसके आगे किसी की नहीं चलती है, तो चलती है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की। यस और नो? जिसको भी डायमंड बनना है उसके लिए मैं बोल रहा हूं, उसके लिए बोल रहा हूं। और अपुन जब उस हॉल से बाहर निकले तो एक ही कमिटमेंट किया कि साला फिर वही डायलॉग दोहराता हूं, अपने बाप की औलाद ने अगर डायमंड बनकर नहीं दिखाया तो। थैंक यू। लोग मजाक उड़ाते थे, आर्मी में था 24 घंटे का नौकर था, दर्द होता था, दो पैसे का आदमी मुझके आके बोलता तो ए इधर आ, ये उंगली मुझे ऐसे लगती थी जैसे साला तलवार है, ऐसे ओए इधर आ साला। बाप ने मेरे ने कभी ऐसे, मेरे बाप ने बड़ा प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है, वो बोल रहा है ओए ऐसे आ, 20-25,000 रुपए के लिए साले मैं तेरी उंगलियों पर नाचूंगा। आई डोंट लाइक दिस इज वे ऑफ। थैंक यू। अरे 25,000 रुपए के लिए मैं तेरी नौकरी, मैं कोई उस पर नाचूंगा उंगलियों पे? अरे ठीक है यार आ गया, अच्छी बात है तू उंगली घुमा रहा है, इंसान हूं यार कोई तेरी भैंस नहीं हूं, जिधर बोलेगा उधर आ जाऊंगा। थैंक यू। और वहां पे बोला जा रहा था यहां पे आप अपनी जिंदगी जी सकते हो, मैं बोला साला दिस ये है अब यहां से मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। फोल्डर लिया और फोल्डर लेकर के मैं गया अपने गुरु के पास मिस्टर जसवीर जी के पास, वो रूम में बैठे रहते थे महात्मा गांधी जी की तरह ऐसे एकदम। थैंक यू। गया मैं बोला बताइए कैसे काम करना है महागुरु जी, उन्होंने बोला कुछ नहीं इसमें, आए तो बेस्ट। बोला यही करते जा साला, तेरे को पता ही नहीं चलेगी कब टीम बन गई तेरी। फोल्डर लिया, दोस्तों का प्लान दिखाना शुरू किया, धुआंधार तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, पर मुझे एक ही चीज दिखती थी 2 लाख रुपए हफ्ते चाहिए। क्या दिखती थी? और भाई ऐसे जब मैं आऊं तो लोग ताली बजाने चाहिए, ये अब उनको दिखता था। ये सुनो, अब ये मेरे को यहीं से मिल सकता था, लोग बोलते थे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने अंदर विश्वास था, पढ़ाई लिखाई किया, बिजनेस की बहुत सारी डीवीडी सुनी, हर दिन सुनता था। मेरा गुरु बोलता था कि डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास नॉलेज होती है, और विकास 2 लाख रुपए कमाने का डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास सिस्टम की नॉलेज होगी, और तो सिस्टम की नॉलेज अगर बेहतर लेना चाहता है तो डेली मोबाइल में या लैपटॉप या किताब के माध्यम से डेली अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। मैं करता गया, वक्त वक्त पे मेरे को मेरे जितने भी अपलायन है, सारे अपलायन मेरी हर प्रकार जो भी उनसे बना मेरी सपोर्ट करते गए, हर प्रकार की उन्होंने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करते करते आज बताते हुए बड़ा फख्र होता है कि सिक्योर लाइफ में आज सिक्योर लाइफ कंपनी को आज 13 साल हो गए हैं, 14वां साल रनिंग है कंपनी को दोस्तों, और बताते हो बड़ा फक्र होता है कि जब कंपनी को ज्वाइन किया था तब मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब डायमंड बनने की बारी आई और साला जब कमिटमेंट किया, और कमिटमेंट मेरा एक तरीके का, जब कमिटमेंट विकास यादव कर लेता है तो ना तो अपने आप की ना अपने बाप की नहीं सुनता, कमिटमेंट तो कमिटमेंट। थैंक यू। और साला मेरे कमिटमेंट पे कोई गली का कुत्ता आ नहीं सकता, टाइगर के सामने कोई गली का कुत्ता आ नहीं सकता। आ कैसे गया? आ गया साले, जहां से आया भाई घुसेड़ दूंगा, क्या बात करता है तू। थैंक यू। अरे चपरासी बनने का काम नहीं है यार, तू मेरे को एडवाइस कर रहा है, मेरे को सिर्फ दो लोग एडवाइस कर सकते हैं, एक मेरा माँ बाप और एक मेरे अपलायन, बाकी का साला दुनिया का विकास यादव को कोई एडवाइस नहीं कर सकता।
मेरा गुरु बोलता है मिस्टर जसवीर जी कि अगर डायमंड बनने की बारी आई तो साला मैं नीम की पत्ते भी खाने के लिए तैयार हूं। मैं उनको बोलता हूं आप नीम की पत्ती खाने के लिए तैयार हो, मैं धनिया पुदीना सब खा जाऊंगा, डायमंड बनाओ। और धुआंधार तरीके से प्लान दिखाया, प्लान दिखाते गया, काम होते गया, प्लान दिखाते गया, होते गया। जैसे ही मेरे 300 की टीम बनी, 300 की टीम बनने के बाद मुझे लगा कि यार अब मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, जितना मैं फौज में कमा रहा था उतना मेरा ऑलरेडी मेरे को सिक्योर लाइफ से आ रहा था। 300 की मेरी टीम थी, इधर सिक्योर लाइफ इधर फौज, बीच में मैं खड़ा हुआ था, कदम ताल चल रही थी मेरी। अब मुझे डिसीजन लेना था कि सिक्योर लाइफ करनी है या मुझे फिर फौज की नौकरी करनी है। ये डिसीजन धर्म संकट में था कि एक तरफ मेरे बाप का सपना, जो बड़ा मेरे से उन्होंने हर माँ बाप का सपना होता है अपने बेटे से, मैं बोला इसको कैसे छोड़ूं यार, छोड़ता हूं तो माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा। और उधर 300 लोग जो मेरे भरोसे पे ज्वाइन हुए थे, मैंने अपलायन को फोन लगाया। और ऐसा बोला जाता है जब भी आपके दिमाग में धर्म संकट की कोई भावना पैदा होती है या आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते, उस समय दुनिया में उस संकट को और डिसीजन को परे लगाने वाला एक ही शख्स है, वो है आपका एक्टिव अपलायन, वो है आपका एक्टिव अपलायन। मैंने अपने एक्टिव अपलायन को फोन किया, एक्टिव अपलायन ने मेरे को उधर से फोन पे बोला बताइए विकास जी। मैं बोला महागुरु जी जय हो। बोला हाँ जी। मैं बोला मैं फौज को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे छोड़ूं। बोला तेरा दिल क्या बोलता है? मेरा दिल बोलता है कि डायमंड बन जाऊंगा। बोला फिर दिक्कत किस बात की है? मैं बोला दिक्कत किसी बात की नहीं है लेकिन छोड़ू तो छोड़ू कैसे? बोला गया कैसे था? मैं बोला अपनी मर्जी से। बोला छोड़ के भी फिर अपनी मर्जी से आ जा। बोला किसकी मर्जी से गया था? मैं बोला अपनी मर्जी से। बोला फिर छोड़ के भी अपनी मर्जी से आ जा। मैं बोला ऐसी बात है क्या? बोला ठीक है यार, 300 की टीम है, फटाफट डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति ने भी डिसीजन लिया है जिंदगी में आगे बढ़ने का, उन्होंने कुछ मेरे को नाम गिनाए, 2-4 नाम आर्मी से थे वो सक्सेसफुल थे, उन्होंने मेरे को नाम गिनाए। नाम जैसे ही उन्होंने गिनाए तो मैं बोला अगला नंबर मेरा है विकास, अगला नंबर तेरा है। और मैंने बढ़िया तरीके से 300 की टीम का 300 की टीम बनने के बाद डिसीजन लेते हुए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे और अपने कर्म पर विश्वास था। थैंक यू। मैं दोगला नहीं था, मेरे बाप का खून असली था, साला मैं असली था। 84 लाख योनियों में साला सर्वश्रेष्ठ योनि मेरे को भगवान ने दी। मैं कैसे साला वो कैसे मैं यार पलट जाता अपनी बात को? जब भी मैं किसी को प्लान दिखाता तो मैं उसको ये बोलता था तू मेरे साथ ज्वाइन कर, मैं तेरे साथ हूं। और उस समय मैं उसको ये बोलूं कि मेरी नौकरी मेरे लिए बहुत है। नहीं यार, अब मुझे उसका साथ देना है। और ये सोच के मैंने नौकरी को मैंने एकदम छोड़ा, अलविदा बोला, जय हिंद जय भारत, देश की सेवा बहुत हो गई, अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। फौज को छोड़ा और टाइगर उतर पड़ा, पैंट शर्ट उतार के ना पहन के टाइप आई। और उसके बाद धुआंधार तरीके से प्लान दिखाए, कोई बात नहीं, कईयों ने मना किया, रिजेक्शन दिया, बोला ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन दोस्तों बताते हो, बड़ा फक्र होता है, मुझे 4.25 साल हो गए हैं इस कंपनी में। एक ही चीज सीखी है कि अपना दिमाग कभी लगाना नहीं, धर्म संकट कभी होता है तो अपने अपलायन एक्टिव अपलायन के पास जाइए और उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए। जो भी प्रॉब्लम होती है, दुख और सुख अगर शेयर करेंगे अपने अपलायन से तो दोनों चीजों में वो आपका भागीदार बनता है। मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, बस अगर किसी चीज की अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम या सॉल्यूशन लेना ही था उसके लिए मेरे अपलायन थे जो मुझे हमेशा विश्वास देते रहे। यही करते करते सोदा प्लान गेट द डीडी, सोदा प्लान गेट द डीडी, सोदा प्लान गेट द डीडी, यही करते करते और हर फ्राइडे की ट्रेनिंग हर फंक्शन अटेंड करते हुए, अगर साला हिंदुस्तान में विकास जिंदा है, लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग में नहीं जाते, लोग फंक्शन में नहीं जाते और बात करते हैं वो डायमंड बनेंगे। अरे डायमंड बनना कोई चूहों का खेल नहीं है, टाइगरों का खेल है यार, चूहे नहीं बनते डायमंड। साला डायमंड बनने की बात हो रही है भाई साहब, 1 करोड़ रुपए साल की बात हो रही है, 2 लाख रुपए हफ्ते की बात हो रही है, 10,000 लोगों की जिंदगी बनाने की बात हो रही है। साला बिल्ली को देख के चूहा बिल में घुस जाता है और टाइगर बनने की बात कर रहा है जी। लेकिन टाइगर तो टाइगर था, साला बिल्ली का बिलोटा भी आया तो भी लात मार के भगा दिया साले को। धुआंधार तरीके से काम किया, 500 की टीम बनाई, 1000 की बनाई, 2000 की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और बताते बड़ा फक्र होता है कि विकास बिंदास टाइगर 1000 दिन के अंदर डायमंड बन के ब्रेक किया सिक्योर लाइफ में। 1000 दिन के अंदर, 1000 दिन के अंदर। थैंक यू।
एक हजार ओनली 1000 डे। ये इसलिए हुआ कि हर दिन मेरा एक ही काम रहता था, सौदा प्लान सौदा प्लान सौदा प्लान, चाहे डीडी आए या ना आए। 1000 दिन के अंदर 50 लाख रुपए कमाया विकास यादव ने, 1000 दिन के अंदर। थैंक यू। डबल डायमंड बनने की बारी आई, प्रगति पथ को उल्टा किया। मैं बोला मेरी बारी कहाँ है, देखा तो डबल डायमंड नीचे लिखा हुआ है। मैं बोला यार इसमें भी पहुंचना है। अपलाइन के पास गया, मैं बोला गुरुजी बताओ कैसे क्या करना है। उन्होंने बोला देख मैं बना हूं 8 महीने के अंदर डबल डायमंड। कितने महीने के अंदर? वो 8 महीने के अंदर बने हैं डायमंड। आप नाम भी बता देता हूं, मिस्टर जसवीर जी जानते हैं आप, सामने बैठे हैं, अभी आपको दिखाएंगे वो। यशनो, मैं बोला बाप का सीना तब चौड़ा होता है जब बेटा बड़ा काम करके दिखाता है। यशनो, वो 8 महीने के अंदर बने, वो जनवरी 8 को बने थे। और मैं दोस्तों बताते बड़ा फक्र होता है कि 240 दिन के अंदर डबल डायमंड बना, 240 दिन ओनली। थैंक यू। डायमंड हूं, पैसे की बात करें तो आज मैं सेना में अगर होता तो जितना हमारा चीफ कमाता है या जो भी हमारा अफसर जो भी अगर सेना में रहता तो मैं इज्जत करता हूं, सल्यूट भी करता हूं, लेकिन मेरी फीलिंग से बाहर थी वो चीज। लेकिन बताते बड़ा फक्र होता है कि जितना वो कमाता है महीने का या सरकार जितना उसको देती है, आज बताते बड़ा फक्र होता है कि विकास यादव हर महीने उतना टीडीएस पे करता है भारत सरकार को, इनकम टैक्स पे करता है। दोस्तों आज एसी घर एसी होटल एसी ये सब मेरे बिल्कुल एकदम आगे पीछे रहते हैं, इन बताने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों बस अभी कहानी की शुरुआत है, मैं ये होप देने की कोशिश कर रहा था अपनी भावनाओं के माध्यम से कि आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही ट्रक पे हैं। बस दोस्तों एक ही काम यहाँ पे करना है कि सौदा प्लान गेट दैट रेडी। आपको प्लान दिखाता है नहीं आता है, लेकिन इंसान कितना भी अच्छा बोलता हो लेकिन उसकी भावनाएं नहीं है ये बिजनेस। मैं कल एक ट्रेनिंग सुन रहा था माघुरी संजय जैन की, नजरिया ट्रेनिंग कल फ्लाइट में था, सुन रहा था, वो ऑलरेडी बोल रहे थे इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक होस्ट बन के और एक गेस्ट बन के। अगर गेस्ट बन के इस बिजनेस को करते हो तो कभी डायमंड बन नहीं पाओगे आप, अगर होस्ट बन के बिजनेस करते हो तो डायमंड हो और बन के भी दिखाओगे आप।